एवरीवन, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अलीना शेख एंड टुडे बी स्टार्टिंग विद ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब आप सबको जैसे पता है, जब हद से ज्यादा कोई चीज बढ़ जाती है तो हम उसे ओवरफ्लो कहते हैं। एक ग्लास है, उसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। इट मीन्स कि जितनी जगह है आई कैन फिल दैट ग्लास दैट मच, मतलब उससे ज्यादा मैं उसमें डाल नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने उससे ज्यादा डाला तो वो बाहर निकल आएगा। तो आज हम कंप्यूटर में कुछ इसी तरह का ओवरफ्लो एरर पढ़ेंगे, तो वो है क्या। अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं कि आपने ऐड करना है, और ये दो नंबर्स कौन से हैं? ये दोनों 8 बिट्स हैं। एड दिस एंड दिस यूजिंग 8 बिट्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बाइनरी एडिशन का, आपको भी आती है, मुझे भी आती है, हम बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे। 0 + 0 क्या था? 0 + 0 वाज 0। ऊपर मैं आपको फिर भी एक दफा रूल्स दिखा देती हूँ, तो आप क्या ताकि आप रिकॉल कर लें। और ये रहे आपके रूल्स बाइनरी एडिशन क्या, अगर ये याद कर लेंगे तो है तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो 0 + 0 0, कैरी सम दोनों 0। इसी तरह 0 0 मतलब 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हमारी डिनरी एडिशन होती है जैसे, मतलब जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन अगर 1 + 1 है तो वो 2 नहीं होगा, वो 10 होगा। 10 कैसे? 1 कैरी में जाएगा, 0 सम में जाएगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पर वही है। लेकिन अगर 1 + 1 + 1 होगा तो वो 11 होगा, 1 कैरी में और 1 सम में। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आती तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अच्छा, ओवरफ्लो। अब यहाँ पे 0 + 0 है, सम 0 है, कैरी भी कुछ नहीं है। 1 + 1 क्या होता है? 10। 0 ही हमारा सम, मतलब आंसर आया, और 1 जो है वो हमारा कैरी में चला गया। अब 1 + 1 10, और 1 + 1 + 1 है यहाँ पर, तो वो 11 होता है। 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर कैरी में चला गया। इसी तरह 1 + 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास बना गया। 0 + 1 अब यहाँ पे बना। अब फिर उसके बाद 1 + 1 इज 10, 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 + 1 आ गया 10। 1 + 1 + 1 = 11, ये हमारे पास 11 हुआ। और फिर यहाँ पे 1 कैरी में चला गया, तो 1 + 1 हो गया 10, और 1 हमारे पास फिर से कैरी में आया। अब जब कैरी में आया है तो हम उसे सम में ला देंगे, उसको नीचे, जिस तरह हम आंसर निकाल रहे थे, रिजल्ट नीचे लिख रहे थे, इसी तरह 1 यहाँ पे आया तो हमने 1 भी एज ए रिजल्ट लिख दिया। लेकिन ये जो मेरे नंबर्स है ना, ये 8 बिट नंबर था, यूजिंग 8 बिट्स। ये भी 8 बिट नंबर है, ये भी 8 बिट नंबर है, बिला शक आप इसे काउंट करके भी देख लें। लेकिन ये जो 9th बिट आई है ना, इसका मतलब है ओवरफ्लो। 8 बिट का रजिस्टर था, कैसे? दिस एडिशन हैज जनरेटेड अ 9th बिट। तो यहाँ पे एडिशन से एक 9th बिट, इस एडिशन से एक 9th बिट जनरेट हुई है। तो इसका मतलब है एक ओवरफ्लो एरर है। 8 बिट की जगह थी, एक नवी बिट आ गई। अगर हम नॉर्मली भी करते हैं, जैसे अगर मैं 10 प्लस, जैसे हम अपने उसमें करते हैं, क्या नाम है, नॉर्मल जैसे डेली लाइफ में हम जब करते हैं एडिशन डिनरी में, तो अगर मैंने 10 + 90 किया, जिस तरह यहाँ पर ऐसे था कि 8, यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स हैं, इतनी जगह है। अब वो एक और आ गया ना हमारे पास नंबर, कैसे आएगा? ये 0 आ गया, और 9 + 1 क्या होता है? दैट इज 10। यहाँ पे 0 यहाँ आया और 1 कहाँ चला गया? कैरी में। अब उस कैरी वाले को उठा के मैं नीचे लाऊंगी ना सम में, इसी तरह यहाँ पर भी जब एक 9th बिट जनरेट हुई है ना, ये कैरी वाली, हम उसको उठाकर बिल्कुल नीचे ले आए हैं। अब जब मैं इसे नीचे तो लाई, लेकिन अब एग्जामिनर जब आपको देगा ना, तो आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट एज एन कन्वर्ट करना है, या तो फिर आपको बाइनरी नंबर्स दे देगा जैसे ऊपर दिया हुआ है, या तो फिर आपको ये डिनरी नंबर्स देगा और कहेगा इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर उस पर कॉमेंट भी करो। तो कॉमेंट ऑन योर आंसर इन ईच के, कमेंट कैसे करेंगे? हम बोलेंगे दिस एडिशन हैज जनरेटेड, अगर हमारे पास ओवरफ्लो एरर आया है तो इस अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाली जो एडिशन हुई है ना, इसके हिसाब से एक 9th बिट हमारे पास जनरेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 16 बिट का रजिस्टर होता, 17th बिट आ जाती, तो हम कहेंगे दिस एडिशन हैज जनरेटेड अ 17th बिट। और जो अब इसके हिसाब से देखें जो हमारे पास आंसर आया है, द 8 बिट्स ऑफ द आंसर जो है वो हमारे पास ये वाले हैं। 8 बिट्स हमारे पास यहाँ तक है जो रेड वाले हैं, और दिस गिव्स अ डिनरी वैल्यू ऑफ 76 जो इनकरेक्ट है, क्योंकि डीनरी वैल्यू इस एडिशन की आ रही है 332। तो मैक्सिमम डीनरी वैल्यू एक 8 बिट बाइनरी नंबर की वो 255 है। यहाँ पर मैंने आपको करके भी दिखाया, क्यों 8 बिट बाइनरी नंबर की डीनरी वैल्यू मैक्सिमम 255 है? क्योंकि अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वंस है ना, तो 8 बिट्स है। अगर मैंने 1 से 128 तक लिया और सब पे 1 1 कर दिया, इनको मैंने ऐड किया, तो मेरा आंसर आ रहा है 255। जब मेरा आंसर 255 आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर 8 बिट्स का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बिनरी वैल्यू मैक्सिमम, तो वो तो 255 है। लेकिन ये तो एक्सीड कर रही है, कहाँ तक जा रही है? 332 तक।
जनरेशन ऑफ नाइन्थ बिट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि सबने इस वैल्यू को एक्सीड की है। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर, कि जब हमारे पास एक रजिस्टर होता है, लिमिटेड रजिस्टर है, और उसमें एक और एक्स्ट्रा बिट आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं ओवरफ्लो एरर। और इन दिस इंडिकेशन इज एंड इन दिस केस दिस इज एन इंडिकेशन दैट नंबर इज टू बिग टू बी स्टोर्ड द कंप्यूटर यूजिंग 8 बिट्स। अब जितने ज्यादा बिट्स होंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी एक नंबर को, जो इस्तेमाल की जाएंगे एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उतना ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 16 बिट रजिस्टर है ना, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे बाइनरी 1 2 4 6 8 16 32 64 128 256 512 10 2 4 40, इसी तरह ये जो पूरा हमारा चल रहा था ना, अगर हमारा 16 बिट रजिस्टर आता तो वो अलाउ करता 65536। इसी तरह अगर 32 बिट रजिस्टर होता तो वो मैक्सिमम भी वी वैल्यू देता 4294967295। अब ये ऐसा क्यों है, अब आप सोच रहे होंगे 216-1 क्यों लिखा है। आपको इतना इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो जैसे यहाँ पर 255 है ना, यहाँ पे लिखा है 2 पावर 8 माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास सारे 2 की पावर्स में नंबर है, ये भी 2 की पावर का ही है 1, लेकिन 1 जो है वो 2 की पावर 0 है ना, और ये 1 एक ऑड नंबर है। तो ये जब सारे इवन नंबर्स ऐड होंगे तो हमारे पास इवन नंबर का आंसर आएगा, लेकिन एक 1 एक ऑड नंबर है। तो इसी तरह हमने क्या किया कि 2 की पावर 8 ली है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, क्योंकि अगर ये 2 होता तो बिल्कुल सही होता हमारे पास इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है 255 है ना, क्योंकि जब हम सारे ऐड करेंगे हमारे पास 254 आएगा, 1 ऐड करेंगे 255 आएगा, तो 2 पावर 8 इज 256, और 256 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 255 आंसर। पहले इसको छोड़ दें, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये ओवरफ्लो एरर हमने पढ़ा है, जितनी ज्यादा बिट्स होंगी ना जो स्टोर जो यूज होंगी अगर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उतना बड़ा नंबर स्टोर होता है। अब आपका एक होमवर्क है एक्टिविटी 1.10, ये कन्वर्ट करना है। आप सब कुछ हम ये कर चुके हैं, मैंने आपको हमने एक्टिविटीज जो ऊपर थी ना हमारी ये वाली, हमने हर एक एक्टिविटी के एक दो पार्ट तो लाजमी किए, दो पार्ट तो आई गेस लाजमी किए, और फिर मैं आपको कहती हूँ कि आप खुद कर लिया करें, आप फिर कमेंट में आंसर कर दें, मैं चेक कर लूंगी जो सही है, और अगर जो गलत है तो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर आपके पास है कन्वर्ट करना है डीनी नंबर्स को बाइनरी में, और इन्हें फिर ऐड करना है, फिर हमें कमेंट भी करना है आंसर पे। कैसे कमेंट करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 8 बिट नंबर है, ये 16 बिट नंबर है, तो अगर हमारे पास हम बताएंगे अगर ओवरफ्लो एरर आया है तो हम बताएंगे जो मैक्सिमम डीनी वैल्यू 8 बिट बाइनरी नंबर की 255 है, और 9th बिट आई है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि सामने ये वैल्यू एक्सीड की है, इसको कहते हैं ओवरफ्लो एरर। और इस केस में ये इंडिकेशन है कि नंबर इतना बड़ा है कि कंप्यूटर में 8 बिट्स नहीं, 8 से ज्यादा बिट्स चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल 16 बिट का आंसर आ गया, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम डिग्री वैल्यू ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर इज दिस, जो भी हमारे पास है 65536, और जनरेशन ऑफ द 17th बिट एक क्लियर इंडिकेशन है सामने वाली एक्सीड की है, और इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर। और इस इंडिकेशन एंड देन दिस केस इज एन इंडिकेशन दैट अ नंबर इज 2 बिट टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर यूजिंग 16 बिट्स। अगर 16 बिट्स का फॉर एग्जाम्पल आ जाता हमारा ओवरफ्लो एरर, और अगर हमारे पास कोई भी ओवरफ्लो एरर नहीं है ना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे द मैक्सिमम डीनरी वैल्यू ऑफ एन 8 बिट बाइनरी नंबर इज 255, और इन दिस केस देर इज नो ओवरफ्लो एरर एंड द नंबर कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर यूजिंग 8 बिट्स और 16 बिट्स जितना भी है हमारा। इसी तरह यहाँ पर आपको बोला 16 बिट बाइनरी एडिशन करो और कमेंट करो आंसर पर। तो अगर ओवरफ्लो एरर आ रहा है तो हमें ये वाला लिखना होगा, पैराग्राफ फर्स्ट में 16 बिट कर देंगे, यहाँ पे 65536 कर देंगे, और यहाँ पर 16 बिट कर देंगे। लेकिन अगर ओवरफ्लो एरर नहीं है तो हम बताएंगे देर इज नो ओवरफ्लो एरर। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है, और फिर देखें जब तक करेंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।